आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बताएंगे आपके लिए ग्रैंड प्लेइंग 11, जो कि आप यहां पर जिस प्लेइंग 11 से पैसे विनिंग करेंगे। यदि आप भी ड्रीम 11 से खेलते खेलते आपका भी पैसा बहुत सारा लॉस हो चुका है और आप ड्रीम 11 से पैसे हारते ही जा रहे हैं, तो आज की वीडियो के लिए आपके लिए पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो पर नए तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर रखिए। आज के इस वीडियो में आपके लिए हम बताएंगे विनिंग प्लेइंग 11। तो यहां पर ड्रीम 11 में पैसे जीतना इतना आसान नहीं है दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले ही बताया था, लेकिन यहाँ पर इतना मुश्किल भी नहीं है। यदि आपके पैसे बहुत सारे लॉस हो चुके हैं तो आज की इस वीडियो में फाइनली आपके पैसे पर वापस आने वाले हैं और आप आज की प्लेइंग 11 से आप बहुत सारे पैसे जीतने वाले हैं। तो वीडियो के लिए स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आप यहाँ पर पैसे विनिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे लिए देखना होगा कि कौन कौन से प्लेयर्स या अभी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछला मुकाबला टीम इंडिया का खेला गया था उसमें बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मिस कर गए थे और उन्होंने हमारे लिए यहाँ पर ड्रीम 11 कुछ भी पॉइंट नहीं दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स हैं और जो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रीम 11 खेलते हैं उनके पैसे लॉस हुए थे। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, फाइनली हमारी टीम जीती तो पाकिस्तान से, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए वो पैसे रिकवर करना है, मुकाबले में पैसे जीतना भी है। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि दोनों टीमों के बीच के जो प्लेयर्स हैं, कौन से प्लेयर्स का शानदार अभी परफॉर्मेंस है और जिस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाने वाला कौन सा स्टेडियम है और वहां पर एवरेज स्कोर क्या बनता है, सबको डिटेल यहां पर चेक कर लेते हैं। तो यहां पर जो यह मुकाबला खेला जाने है, यह सिडनी ग्राउंड पर खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। तो सबसे पहले फाइनली यहां पर चेक कर लेते हैं कि जिस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाना है एवरेज स्कोर क्या बनता है। यदि यहाँ पर हम एवरेज स्कोर के हिसाब से यदि समझते हैं तो यहाँ पर हम अपनी प्लेइंग 11 में सही तरीके से यहाँ पर फाइनली क्रिएट कर सकते हैं और प्लेयर चूज कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पर पता नहीं है कि जिस ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाना वहाँ पर स्कोर क्या बनेगा, बैटिंग पिच होने वाली है कि बॉलिंग पिच, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर फाइनली प्लेयर चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है वो 172 का है, तो आप समझ सकते हैं कि फाइनली ये बैटिंग पिच ही होगी, मतलब कि इस पिच पर जो बॉलर है उनकी पिटाई होने वाली है, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो नीदरलैंड के। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो पिछे उस पर सबसे ज़्यादा किससे मदद मिलती है, तो वो फाइनली है बैट्समैन के लिए, क्योंकि यह बैटिंग पिच है तो फाइनली है कि यहाँ पर बैट्समैन के लिए ही मदद मिलेगी, मतलब यहाँ पर इस ग्राउंड पर जो स्पिन बॉलर हैं उन्हें बहुत कम मदद मिलने वाली है। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर प्लेयर चूज करेंगे। तो यहाँ पर फाइनली हमने चेक कर लिया कि जो इस ग्राउंड पर स्कोर बनेगा वो 172 के करीब बनेगा, 172 या 180 के करीब। तो फाइनली यहाँ पर समझ चुके हैं कि हमारे लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बैट्समैन चूज़ करना है। तो अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं जो टीम इंडिया के बैट्समैन हैं वो अभी कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बॉलर और बैट्समैन और ऑलराउंडर। तो इन्फॉर्मेशन आपके लिए देते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर हो सकता है कि हार्दिक पांड्या ना खेलें और रविचंद्र अश्विन, क्योंकि यहाँ पर हार्दिक पांड्या के लिए आराम दिया गया है इस मुकाबले में, हार्दिक पांड्या खेलते हुए नज़र न आए, तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या की जगह पर शायद दीपक होड़ा के लिए जगह मिल सकती है या ऋषभ पंत के लिए। तो वो फाइनली हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर विराट कोहली की बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपने पिछले मुकाबले में 82 रन की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम इंडिया या पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीत सकी। और यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने महज 15 रन बनाए थे और केएल राहुल ने 4 रन बनाए थे। अभी फॉर्म में नहीं है केएल राहुल और ना ही अभी रोहित शर्मा फॉर्म में है, और यहाँ पर दिनेश कार्तिक यहाँ पर पहली बॉल पर आउट हो चुके थे। तो बैटिंग में तो उतना विराट कोहली के अलावा अभी फॉर्म में कोई नहीं, क्योंकि अभी एक ही मुकाबला खेला है। तो और इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलिंग, जो कि टीम इंडिया की बॉलिंग है, तो बॉलिंग तो बहुत ही शानदार हुई जो पिछले मुकाबला खेला गया, क्योंकि जिस ग्राउंड पर वह मुकाबला खेला गया वह पिच वहां की पिच बॉलिंग पिच थी, तो वहां पर बॉलर्स के लिए शानदार मदद मिली, लेकिन नीदरलैंड बसे इंडिया के बीच, लेकिन यहाँ की पिच और ग्राउंड अलग होगा। तो यहाँ पर फाइनली है कि यह बैटिंग पिच है तो बॉलर्स की यहाँ पर पिटाई होने वाली, तो बॉलर्स हम बहुत ही कम ही लेंगे, ऑलराउंडर और बैट्समैन ज़्यादातर टीम में शामिल करेंगे। यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार ने पिछले एक मुकाबले में एक ही विकेट लिया था और अदीप सेन ने 3 विकेट लिए थे और मोहम्मद शमी के लिए एक ही विकेट मिल पाया था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए थे और अक्षय पटेल के लिए एक भी विकेट नहीं मिल पाया था। एक और नीदरलैंड के बहुत ही खूंखार बैट्समैन जो कि आज के मुकाबले में ड्रीम 11 गेम चेंजर हो सकते हैं, उनका नाम है मैक्स और दाऊद। उसके बाद टॉम कूपर
जिन्होंने पिछले मुकाबले में महज 0 रन ही बनाए थे मतलब। लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड के जो बैट्समैन है वो उतने फॉर्म में नहीं है, लेकिन आज के मुकाबले में यह शानदार परफॉर्मेंस कर सकते हैं क्योंकि यह बैटिंग पिच है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर हम प्लेयर्स चूज़ करेंगे, तो इस हम अपने प्लेयर्स चूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दिनेश कार्तिक के लिए शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यदि ऋषभ पंत खेलते हैं तो ऋषभ पंत के लिए शामिल कर लेना है, लेकिन ऋषभ पंत की जगह पर शायद यहाँ पर दीपक हुड्डा के लिए मौका दिया जाएगा टीम इंडिया में। इसके बाद नीदरलैंड के जो विकेट कीपर हैं उन्हें भी हम यहां पर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अभी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इसके बाद बैट्समैन में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा अभी फॉर्म में नहीं, तो रोहित शर्मा के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद टी कूपर के लिए शामिल कर लेते हैं, और के एल राहुल की ओर, और एम ओ दाउद के लिए जो कि आज के मैच के ड्रीम इलेवन गेम चेंजर्स हो सकते हैं। और ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या तो खेलेंगे ही नहीं, तो ऑलराउंडर में यहां पर नीदरलैंड के शानदार ऑलराउंडर हैं जो कि बी डी लीड है, जिन्होंने 363 सबसे ज़्यादा अभी तक पॉइंट दिए हैं ड्रीम इलेवन में। तो इसके बाद यहाँ पर नीदरलैंड के एक बैट्समैन के लिए हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर टी कूपर के लिए छोड़ देते हैं, और ऑलराउंडर में शामिल कर लेते हैं सी आक्रमण के लिए। और इसके बाद यहाँ पर बॉलिंग में यहाँ पर अक्दीप सैन के लिए शामिल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बॉलर्स की उतनी मदद मिलती नहीं है इस पिच पर। तो इसके बाद एक और बॉलर शामिल कर लेते हैं, वो टीम इंडिया के भुवनेश्वर कुमार। तो एक बार रिव्यू करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर 5 प्लेयर्स नीदरलैंड के हमने शामिल किए हैं और 6 प्लेयर्स टीम इंडिया के। यहाँ पर बॉलर्स इसलिए कम लिए हैं क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स के लिए उतनी मदद मिलनी नहीं है, यहाँ पर मैच बैट्समैन ही यहाँ पर परफॉर्मेंस करेंगे क्योंकि यह बैटिंग पिच है। तो लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया के एक ऑलराउंडर के लिए तो शामिल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिनेश कार्तिक के लिए छोड़कर यहाँ पर अक्षय पटेल के लिए शामिल कर लेते हैं, दिनेश कार्तिक के लिए ड्रॉप कर देते हैं और अक्षय पटेल के लिए शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ऑलराउंडर टीम इंडिया की ओर से और 2 ऑलराउंडर नीदरलैंड की ओर से। तो यहाँ पर फाइनली टीम बन चुकी, तो अब कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर वाइस कैप्टन में डी लीडे और कैप्टन में यहाँ पर विराट कोहली या फिर सूर्य के राहुल के लिए, तो के राहुल के लिए कैप्टन बना लेते हैं या विराट कोहली के लिए, तो विराट कोहली के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन यहाँ पर डी लीडे के लिए। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन चूज़ कर लिए। तो इसके बाद यहाँ पर फाइनली विनिंग प्लेइंग 11 यहाँ पर बन चुकी है ग्रैंट के लिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इस प्लेइंग 11 से यहाँ पर आज पैसे जीतने वाले हैं, विनिंग करने वाले हैं। जितना आपका पैसा यहाँ पर लॉस हुआ वो आपका यहाँ पर रिकवर होने वाला है। तो यहाँ पर आपके लिए एंट्री करना है 49 रुपये से, जिसमें आपके लिए विनिंग होंगे 1.5 करोड़ रुपये, या फिर आप यहाँ पर छोटे कॉन्ट्रैक्ट यदि आप कम पैसे जीतना चाहते हैं तो छोटे कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए यदि 1 करोड़ रुपये जीतने तो आपके लिए यहाँ पर 49 रुपये की एंट्री करनी होगी, जिसमें आप 1.5 करोड़ रुपये आसानी से जीत सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की इस प्लेइंग 11 से आप पैसे विनिंग करेंगे। तो यदि आपने चैनल के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए टॉस की बात वहाँ फाइनली आपके लिए टीम मिल जाएगी।